हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम और आप देख रहे हैं चैनल ड्रीमियो टेक्निकल। आज हम आपको बताते हैं, ये एक फिलिप्स का होम थिएटर है जिसके अंदर यूएसबी है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट है, एफएम है, लेकिन ब्लूटूथ नहीं है। तो आज हम अपने होम थिएटर को बताते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एक चिप लगा के, जिससे कि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाए और हमारे फोन से जो भी जितने भी सॉन्ग्स हैं हम फोन से जोड़ के उसको चला सके। तो आइए पहले इसको बंद करते हैं। जैसे कि आप सुन रहे हैं अभी ये चल रहा है, आवाज हमने थोड़ा सा कम की हुई है। आओ पहले इसको घुमाते हैं। पहले हमने स्पीकर हटाया उसका और ये स्विच ऑफ किया। हाँ, इसके पीछे कुछ स्क्रू लगे हुए हैं जिसको कि हम अभी खोलते हैं। ये इसका पीछे का पैनल लगा हुआ है जिसको कि हम एक एक करके स्क्रू खोलते हैं। और देखते हैं इसके अंदर एक ब्लूटूथ की चिप लग सकती है। ये इससे बाहर आ गया है निकल के। हम इसमें लगाने वाले हैं ब्लूटूथ की एक चिप। आइए पहले देखते हैं इसको पावर सप्लाई कहां से दें। मीटर से चेक करते हैं, इसमें कहीं हमें वोल्टेज 5 वोल्ट आ रही है इसमें, प्लस माइनस। आइए पहले इसको हटा लेते हैं। ब्लूटूथ चिप लेते हैं, इसके अंदर वायर मैंने पहले से ही जोड़ लिए हैं। ये दो इसको पावर सप्लाई करेंगे और ये इसकी आउटपुट है जो कि हम इसके ऑक्स से आज जोड़ेंगे। इसके अंदर जो ऑक्स इनपुट दिया हुआ है इसकी कनेक्शन यहाँ पे लगे हुए हैं, तो हम इससे जोड़ेंगे इसको, जिससे कि ये ऑक्स पे जब हम इसको करेंगे तो ये ब्लूटूथ पे काम करे। आइए पहले इसको सही से कनेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेते हैं जिससे कि ताके फटाफट हमारे लग जाएं। सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई देते हैं।
देखिए हमने इसकी पावर सप्लाई यहाँ से 5 वोल्ट मिल रही थी और ये ग्राउंड कर दिया है एक वायर और ये हमने यहाँ से 5 वोल्ट दे दी है और ये वायर हम जोड़ते हैं ऑक्स पे। ऑक्स के वायर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये बीच में ग्राउंड है और ये राइट लेफ्ट चैनल के लिए। तो आइए जोड़ते हैं इसको। ये थोड़ा सा बड़ा है वाइट वाला, इसको थोड़ा सा कट करते हैं जिससे कि जोड़ने में आसानी रहे। थोड़ा सा कट कर लिया है, फ्लक्स हम दोबारा लगा देते हैं अच्छे से जिससे कि हमारा टांका अच्छे से लग जाए। दो तार जुड़ गए हैं, एक तार अभी बाकी है। ये टांके लग गए हैं इसके, ऑडियो वीडियो के वायर लग गए हैं और ये है आपका, हमने इसको पावर सप्लाई दे दी। अब हम इसको घुमाते हैं। ये आपके कनेक्शन हो गए हैं। एक ही हमने स्विच लगाया हुआ है ऑन ऑफ के लिए, तो हम एक तार को कट कर लेते हैं इसमें से। ये हमने एक तार कट कर लिया है और इसके ऊपर हमने ये हीट श्रिंक स्लीव्स चढ़ा दी हैं, एक इधर लगा दिया है। अब हम इसे स्विच से जोड़ देते हैं जिससे कि हमें अगर कभी ऑक्स चलाना हो तो हम स्विच को बंद कर ऐसे ही इधर दूसरे वायर को भी लगा देते हैं। ये दोनों तार अच्छे से लग गए हैं और इन पे हमने ये स्ट्रिंग ट्यूब को भी लगा दिया है जो अच्छे से प्लेट है और इसको हम एक स्क्रू से इसकी बॉडी पे यहाँ पे इसको लगा देते हैं। ये छोटा सा स्क्रू है, इसको डालते हैं यहाँ से। एक छोटा सा ये फोम का टुकड़ा भी लगा देते हैं।
सपोर्ट करने के लिए। बॉडी पे यहाँ पे अच्छे से इसको लगा दिया है और हम अब ये टाई से वायर्स को भी अच्छे से बांध देते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा वायर है, इसको हम यहाँ पर अच्छे से ये देखिए यहाँ पे ब्लूटूथ हमने प्लेट अच्छे से फिक्स कर दी है। एक यहाँ पे हमने ड्रिल मशीन से ये पहले ही छेद करके एक स्विच लगा लिया था, पुश बटन है, जिससे कि हम आपको, क्योंकि ऑक्स से हमने इसको कनेक्ट किया है, अगर कभी ऑक्स चलाना पड़े तो उसमें ब्लूटूथ डिस्टर्ब ना करे। हम जब इसको पुश करके ऑन करेंगे तभी ब्लूटूथ की प्लेट उसमें लाइट जाएगी, आगे सप्लाई जाएगी। और ये इसमें हमने कनेक्ट कर दिए हैं, अब इसको हम बंद करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमारा ब्लूटूथ स्पीकर होम थिएटर तैयार है, अब हम इसको कनेक्ट करके चला के देखते हैं। ये देखिए, आपको दिखाई दे रही होगी एक ब्लूटूथ नीली नीली सी लाइट जल रही है, ठीक है। इसको हम ऑफ करते हैं, ये ब्लूटूथ बंद हो गया। एक छोटी सी एलईडी लगाई है हमने और ये ऐसे ऑन किया, ये फिर जल गई 5 वोल्ट में। हमने 60 वाट ओम का एक क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस लगा दिया है इसमें और ये आराम से अभी हम इसको ऑन करते हैं। ऑन
ओपन करते हैं और एक छोटा सा स्पीकर इसमें कनेक्ट करते हैं। अब इसका मोड चेंज करते हैं ऑक्स पे, डीवीडी ऑक्स, और अपने फोन से अब हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं। ब्लूटूथ, और ये हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। ऊपर की थोड़ा सा साउंड कम कर देते हैं। तैयार है और ये अच्छे से अभी काम कर रहा है।